हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। लोकसभा चुनाव अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है और जुबानी जंग खूब हो रही है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा और बवाल ने माहौल गर्मा दिया है और वहीं हरियाणा में बूथ कैप्चरिंग की कई शिकायत सामने आ चुकी हैं और एक पोलिंग स्टेशन पर तो रीपोलिंग भी होगी और इसके अलावा दिग्गजों के सामने विरासत बचाने की चुनौती भी है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले बंगाल में अब आर पार की जंग लड़ी जा रही है। 9 सीटों पर होने वाले मतदान से पहले बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है तो वहीं ममता बनर्जी भी बीजेपी को रोकने के लिए अड़ गई है। बवाल हो रहा है लेकिन इस बवाल को रोकने का तरीका चुनाव आयोग ने निकाल लिया है और चुनाव प्रचार का एक दिन कम कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश बदल रहा है, तकनीक का जमाना आ गया है। 4G 5G से लेकर 7G के बारे में बात हो रही है। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा है। लगता है अब चुनाव का मतलब भी बदल गया है क्योंकि हिंदुस्तान की 17वीं लोकसभा चुनाव से मुद्दा ही गायब हो गया है। अगर कुछ बचा है तो वो है सिर्फ भाषण, विरोध, बवाल, आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जमा खर्च। इस बार के लोकसभा चुनाव में जितने प्रचार नहीं हुए, जितने नेताओं ने लोगों से वादे नहीं किए, जितनी सभाएं नहीं हुई, उससे कहीं गुना ज्यादा बवाल और विरोध की खबरें चुनावी रण में घूमती दिखाई दी। बात अगर चुनाव में हुए बवाल की हो तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम पश्चिम बंगाल का लिया जाएगा क्योंकि अब तक पूरे 6 के 6 चरणों में हुए चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा यहाँ के शहरों ने बवाल को सर चढ़कर बोलते हुए देखा और लोकसभा के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के दौरान भी कुछ यही हुआ। दरअसल कोलकाता पुलिस ने अमित शाह की रैली के लिए बने स्टेज से जुड़े पेपर मांगे थे और पेपर न देने पर मंच को तोड़ने की बात कही गई। फिर भी बीजेपी कार्यकर्ता रैली स्थल पर अड़े रहे और अमित शाह ने रोड शो किया। इस दौरान कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज के अंदर से टीएमसी के कथित समर्थकों ने शाह के काफिले पर पथराव किया जिससे दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच झड़प हुई। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मारपीट की। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाहर खड़ी कई बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा के दौरान ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा भी तोड़ी गई जिसके बाद अमित शाह ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंसा से जुड़ी कई तस्वीरें भी साझा की गयी और मूर्ति तोड़े जाने पर कहा गया कि जब मेन गेट ही बंद था और बीजेपी वाले बाहर थे तो कोई अंदर कैसे घुसा और किसने मूर्ति तोड़ दी। यही सबूत है कि ईश्वर चंद विद्यासागर की प्रतिमा को टीएमसी वालों ने ही तोड़ा है। जो आरोप लगा रही है टीएमसी के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पुतले को तोड़ा गया, आप देख रहे हैं दंगे के बाद की ये तस्वीर है जिसमें गेट इंटैक्ट है। हम तो रोड के बाहर थे, अगर गेट इंटैक्ट है तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? अंदर से तो टीएमसी के लोग पथराव कर रहे थे, टीएमसी के लोग कैरोसिन बॉम्ब फेंक रहे थे, टीएमसी के लोग लाठी और सलिया लेकर बाहर आ रहे थे। गेट अगर टूटा नहीं है, गेट बंद है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है इसको किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी, किसने तोड़ा? ये झूठे प्रकार की सिंपथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। वहीं ममता बनर्जी की सरकार पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में भी टीएमसी वालों ने हिंसा की थी। देश में कहीं पर भी हिंसा नहीं हो रही लेकिन सिर्फ बंगाल में हो रही है।
शाह ने कहा कि बीजेपी तो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन हिंसा सिर्फ बंगाल में क्यों हो रही है। इस दौरान अमित शाह ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर बैठा है और टीएमसी हिंसा करती जा रही है। साथ ही ममता बनर्जी पर सार्वजनिक रूप से धमकी देने और नेताओं को रैलियां करने से रोकने का आरोप भी लगाया। श्रीमती ममता बनर्जी का आरोप है कि हिंसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ममता बनर्जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के हर राज्य में चुनाव लड़ रही है और हर राज्य में अलग अलग पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, स्थानीय दलों के खिलाफ हमारा मुकाबला है, मगर कहीं पर भी हिंसा नहीं होती है। और 6 के 6 चरण में बंगाल में हिंसा होती है, इसका मतलब ही होता है कि हिंसा का कारण तृणमूल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कि जब पंचायत के चुनाव थे तब भी, कोई नई बात नहीं, मगर पंचायत के चुनाव थे, इतना हाईलाइट नहीं हुआ। पंचायत के चुनाव में 7 पॉलिटिकल एक्टिविस्टों की हत्या कर दी गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि जहां व्यवस्था ठीक है वहां तो चुनाव ठीक हो रहे हैं, जहां रेगिंग करने का प्रयास हो रहा है बंगाल के अंदर, चुनाव आयोग मूक प्रेक्षक बना हुआ है। चुनाव आयोग ने तुरंत इंटरवीन करना चाहिए। देश भर के अंदर जो हिस्ट्री सिटर होते हैं, पैरोल फरलो कुदाकर जो लोग आए हैं और जो लोग फरार हैं, उनको चुनाव के दिन अरेस्ट किया जाता है। बंगाल के अंदर 107 का बॉन्ड लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। एक दो स्टैंडर्ड चुनाव आयोग ने क्यों बनाए? आपकी एफआईआर से हम बीजेपी वाले नहीं डरते। मुझ पर तो सिर्फ आपने एफआईआर करी है, मेरे 60 से ज्यादा कार्यकर्ता की जान आपके गुंडों ने ले ली है, फिर भी भाजपा ने अपना अभियान नहीं रोका है। अगर आप ये संदेश देना चाहती हैं कि मुझ पर एफआईआर कर 7वें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डर जाएगा, मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बंगाल की जनता और जुनून के साथ और जोश के साथ और आक्रोश के साथ आपको हटाने के लिए मतदान करने जा रहे हैं। आप 23 तारीख तक का राह देखिए ममता दीदी, आपके दिन समाप्त हो चुके। दरअसल बवाल की शुरुआत तो चुनाव के शुरू होने से कुछ महीने पहले ही शुरू हो गई थी, जब पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को इजाजत ही नहीं दी थी, जिसके बाद भी मामले ने कई दिनों तक तूल पकड़ा था। तो मंगलवार के बवाल के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ, जहां उन्होंने ममता पर जमकर निशाना साधा। हालांकि बुधवार को जैसे ही खबर आई कि योगी के मंच के साथ तोड़फोड़ हुई है, तो उसके साथ ही रैली रद्द होने की खबर भी सामने आ गई। लेकिन तुरंत बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का भी निर्देश आ गया कि चाहे कुछ हो जाए ये रैलियां रद्द नहीं होंगी, जिसके बाद सीएम ने बरसात में रैली की और ममता सरकार पर जमकर बरसे। पश्चिमी बंगाल के अंदर की अराजकता को ये प्रदर्शित करता है। चुनाव आयोग को ये सब बातें देखनी चाहिए। इस बर्बरतापूर्ण हमले के बारे में पहले से भी जो चीजें वहां चल रही थी, चुनाव आयोग के संज्ञान में अवश्य रहा होगा। हमारी मांग है कि एक तो बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और ये सत्ता प्रायोजित गुंडागर्दी है, सत्ता प्रायोजित अराजकता है। तो इस बवाल और विरोध की खबर से एक बात तो साफ है कि वाकई इस चुनाव से मुद्दा पूरी तरीके से साफ हो चुका है। सिर्फ राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने पर जोर दे रही हैं, बजाय इसके कि लोगों के हित में क्या है, विकास के लिए कौन क्या कर रहा है, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।